विश्व हीमोफीलिया दिवस पर हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत जेके लोन हॉस्पिटल में हीमोफीलिया से पीड़ित बच्चों का मेडिकल किया गया और इसके बाद हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी जयपुर की ओर से एसएमएस अस्पताल में जागरूकता रैली निकाली गई। हीमोफीलिया मरीजों के लिए एसएमएस अस्पताल में विशेष सुविधा देने के लिए डे केयर खोलने की भी व्यवस्था की जा रही है। हीमोफीलिया एक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। इस बीमारी में दो टाइप होते हैं, हीमोफीलिया ए और बी। हीमोफीलिया ए जो बीमारी होती है 5,000 में से एक पेशेंट के होती है और हीमोफीलिया बी बीमारी 30,000 में से एक पेशेंट के होती है। इस बीमारी में क्या होता है कि एक बार खून बहना स्टार्ट हो जाता है तो रुकता नहीं है जनरली, और जनरली मेल पेशेंट में ही होती है, फीमेल पेशेंट में नहीं होती। अभी राजस्थान में अपने 1200 पेशेंट है और एसएमएस में 450 के आसपास रजिस्टर्ड है। हमें चाहते हैं कि इस बीमारी का एक जल्दी से जल्दी जो फैक्टर लगते हैं, तो पेशेंट जैसे ही आए तो उसको फैक्टर लग जाए, जो गवर्नमेंट की फ्री योजनाएं और फैक्टर सब। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।